सब्सक्राइब कीजिए एक्सपेरिमेंट जोन चैनल को और दबाइए बेल आइकन को हमारी सारी अमेजिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे घर पर मिलने वाले सामान की हेल्प से एक अच्छा सा स्लाइम बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं स्किप मत करना, अदरवाइज आप किसी ना किसी पार्ट को मिस कर देंगे और फिर आपको समझ आने वाला नहीं है। तो वीडियो को एंड तक देखना, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्लाइम बनाने के लिए चाहिए होगा थोड़ा सा पानी, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस पूरी वीडियो में आपको चाहिए है केवल एक टेबल स्पून शक्कर, एक टेबल स्पून नमक और कलर अपने हिसाब से, और थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर। अब इसको पानी में डाल देना है। और इसके बाद आपको लेना है एक चम्मच नमक। हाँ, और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ घंटे वाले आइकन के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे आपके पास आगे भी और ऐसी ही वीडियोस आती रहें। आपको इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसके बाद आपको अपने हिसाब से कोई भी कलर लेकर इस मिक्सर में डाल देना है, एक सही क्वान्टिटी में लेकर, कि कलर उसका डार्क हो जाए, जैसा कि मैंने रेड चूज़ किया। अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि शुगर और सॉल्ट का कोई भी पार्ट इसमें रह नहीं जाए। हाँ, इसका लास्ट इंग्रेडिएंट रह गया था कि इसमें आपको थोड़ा सा डिटर्जेंट मिलाना पड़ेगा, आधा टेबल स्पून डिटर्जेंट, जिससे इसका अच्छा टेक्सचर बने। और इसको फिर से अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि सारे पार्ट्स इसकी अच्छी तरीके से पानी में डिजॉल्व हो जाएं। तो फाइनली ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। और दोस्तों, इसके बाद लास्ट और मेन पेशेंस वाला काम क्या है, इसको आपको ढककर, मतलब पूरे मिक्सर को 2 दिन के लिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ढककर रख देना है। तो दोस्तों, 2 दिन बाद मैं देखने जा रहा हूँ कि बना आखिर क्या है। काफ़ी कुछ स्लाइम जैसा ही लग रहा है, जहाँ तक हमारा स्लाइम बन चुका है। चलो इसको छू कर देखता हूँ। हाँ हाँ, स्लाइम ही है दोस्तों। तो फाइनली हमारा स्लाइम बन गया है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलो इसको निकालता हूँ और देखता हूँ कि इसका स्लाइम जैसा टेक्सचर बना कि नहीं। बहुत बढ़िया, ये तो पूरा स्लाइम ही है, वाओ। तो दोस्तों, ये रहा हमारा मज़ेदार स्लाइम, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और स्टिकी भी नहीं है, मतलब हाथ में नहीं चिपक रहा है। बच्चों को तो ये काफ़ी पसंद आने वाला है, वैसे तो ज़्यादा एज वालों को भी पसंद आएगा, क्योंकि ये स्लाइम ही ऐसा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल एक्सपेरिमेंट जोन को घंटे वाले आइकन के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलें।